हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सर्दी से, ठंड से बचकर रहिए। भैया सीधी सी बात है, सर्दी ज्यादा है। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, बहुत काम की बातें। एक करंट क्वेश्चन के बारे में आपको उसी क्वेश्चन का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, भूगोल, जैसा भी 360 पे 360 डिग्री पे क्वेश्चन को घुमाने की मेरी आदत है, ताकि आपको कम समय में अच्छी और विस्तृत और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आज बात करते हैं 16 नवंबर की। जी आज आप 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब प्रेस परिषद की स्थापना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप। आज का दिन का क्वेश्चन क्या है, 16 नवंबर को आप राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हो, ठीक है भैया, मना रहे हैं, सीधी सी बात है। प्रेस परिषद की स्थापना कब की थी, 4 जुलाई 1966 को। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पीटीआई क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1927 को की गई थी, याद रखोगे, ये भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है, याद रखोगे। और अब वर्तमान में 2020 में करंट क्वेश्चन क्या बनेगा, पीटीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विजय कुमार चोपड़ा, जो पंजाब केसरी के संपादक हैं, उनको उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उनके बाद में पीटीआई का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अविक सरकार बन चुके हैं। ये करंट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है, पीछे पूछे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रेस परिषद की स्थापना है आपके पास। अब मैं बात करता हूं, प्रेस और पत्रकारों की बात चलती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा, रवीश कुमार, आपको पता है एनडीटीवी पे प्राइम टाइम उनका प्रोग्राम बहुत बहुत फेमस है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी हमारे भारत के रवीश कुमार को मिला है, प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप विनोबा भावे जी को पढ़ते हो 1958 में, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, किरण बेदी को, अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी सेवाओं के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर 1957 में इस, याद रखोगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई है। नेक्स्ट, इसी का लास्ट क्वेश्चन, इसी का बिल्कुल हिस्ट्री में, प्रेस का ये अगर आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में आया था। इस प्रेस अधिनियम में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया था, अंग्रेज सरकार ने सभी प्रकार की भारतीय भाषाओं की जो पत्र पत्रिकाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, एक सेंसरशिप लगा दी थी, पहले आप समाचार हमें दिखाइए, अगर वो सरकार विरोधी, ब्रिटिश सरकार विरोधी, अंग्रेजों का विरोध करने वाला समाचार पत्र होगा तो वो नहीं छापने दिया जाएगा। तो उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिंटन के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और उसी वक्त भारत की बहुत अच्छी पत्रिका थी अमृत बाजार जो पत्रिका है ना, ये पहले इंग्लिश में, पहले हिंदी में छपती थी, ये बंगाली भाषा में छपती थी, लेकिन इससे प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसके संपादक शिशिर कुमार घोष ने इसको अंग्रेजी में छापना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सिर्फ हिंदी भाषाओं या भारतीय भाषाओं के ऊपर प्रतिबंध करने के लिए लगाया गया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय भारत के वायसराय मैंने लॉर्ड लिंटन बताए हैं, लेकिन लॉर्ड रिपन ने आते ही इस बेकार से प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, इस कानून को क्या कर दिया, बदल दिया, वापस पुराना लागू कर दिया। तो लॉर्ड लिंटन ने याद रखोगे इसको लगाया है, और लॉर्ड रिपन द गुड बोलते हैं, अच्छे लॉर्ड थे, भारतीय की अच्छी बातें वो सोचते थे, तो लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया है, इस एक्ट को, और लॉर्ड लिंटन ने इसको लगाया था। फर्स्ट क्वेश्चन से आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आपने सीख लिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोंगे वाला पोस्ट आपने बॉर्डर फिल्म में सनी देओल को देखा होगा लोंगे वाला पोस्ट में बोलते हुए, तो लोंगे वाला पोस्ट जो हमारी सैनिक पोस्ट है वो जैसलमेर राजस्थान के अंदर है, और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो विपिन रावत जी हैं,
और हमारे भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, ये तीनों उपस्थित रहे हैं। मोदी जी एक टैंक पर बैठकर यहां पर घूमे भी हैं। तो दीपावली कहां पर मनाई तीनों ने? लोंगेवाला पोस्ट, जैसलमेर, और तीन व्यक्ति मैंने बता दिए कौन कौन वहां शामिल थे। और जब सेना की बात चलती है तो मुझे अंडमान निकोबार का तेरेसा द्वीप, अंडमान निकोबार का तेरेसा द्वीप है ये, याद रखोगे अंडमान निकोबार का, जहां पर भारत की तीनों सेनाओं ने, नेवी ने भी, एयरफोर्स ने भी और मिलिट्री ने मिलकर तीनों सेनाओं ने एक युद्ध अभ्यास किया है, बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक तीनों सेनाओं का, भारतीय सेनाओं का, तीनों भारतीय सेनाओं का क्या है, एक संयुक्त अभ्यास था, तेरेसा द्वीप अंडमान निकोबार। आप याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी। और जब अंडमान निकोबार की बात याद आती है तो आपको क्या आता है, स्वराज द्वीप, हिंद द्वीप, सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर नाम रखे हैं, तो अंडमान निकोबार याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। और पोर्ट ब्लेयर यहां पर प्रमुख जेल है अंडमान निकोबार में, जिसको काले पानी की सजा का नाम दिया जाता था। आजादी के वक्त यहां पर हमारे बहुत से क्रांतिकारियों को कैद किया गया था। और सैंडल पीक ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। और क्या है याद रखो, बैरल। बैरल क्या है, हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का, कहां पर है बैरल, कहां पर है वो, अंडमान निकोबार, आप इसको याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा बोस्कियाना। बोस्कियाना एक पुस्तक लिखी गई है, 228 पेज की किताब है बोस्कियाना। किसने, किसके ऊपर लिखी गई, गुलजार, जो पटकथा लेखक भी हैं, कवि भी हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, भारत के गुलजार। इनका मूल नाम क्या है याद रखिए, संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार, जिस जो आप अच्छा शायरी पढ़ते रहते हो गुलजार साहब की, तो उनका मूल नाम, ओरिजिनल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है बोस्कियाना, याद रखोगे। और इनका जन्म जो है ना वो दीना नामक स्थान है, झेलम जिला पाकिस्तान, 18 अगस्त 1934 को, याद रखो गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1934 को दीना नामक स्थान है, झेलम जिला है, जो आप नदी के रूप में पढ़ते हो झेलम जिला भी है पाकिस्तान में, इनका वहां पर जन्म हुआ है। और 2004 में इनको तीसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री भी दिया गया है, पद्म श्री 2004 में मिला है इनको। और इनको एक मूवी आई थी आपने देखी हो तो, सलम डॉग मिलेनियर, सलम डॉग मिलेनियर, बहुत सारे जिसने पुरस्कार ऑस्कर जीते थे तो उसमें अनिल कपूर साहब ने भी भूमिका निभाई थी। तो सलम डॉग मिलेनियर का गाना था जय हो, जय हो गाने के लिए गुलजार को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। और ऑस्कर के साथ जो संगीत की श्रेणी में सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रेमी, ग्रेमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 2013 में, गुलजार की बात चल रही है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार भी भारत का इनको मिल चुका है। और अगर इनकी रचनाएं आपसे पूछ ले तो जानम, एक बूंद रात, खराश, फिर जी रावी पार, नदी का नाम है रावी पार, फिर जी रात पश्मीने की, और चोरस रात, ये सारी की सारी मैंने गुलजार यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा के बारे में आपको बता दिया है। अब मुझे बताइए गुलजार पर जो किताब 228 पेज की लिखी गई है बोस्कियाना, इसका संपादक कौन है, उसके सरनेम में व्यास आएगा, आपको क्लू दे दिया, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। फिर जी क्या लिखा मैंने, दो आयुर्वेद संस्थान, क्योंकि अभी आपने 13 नवंबर को धन्वंतरी जो जयंती मनाते हो ना, तो 13 नवंबर को हमने क्या मनाया है, पांचवा, भारत का पांचवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया है, याद रखोगे। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, याद रखोगे आप। तो इस मौके पर मोदी ने दो आयुर्वेद संस्थान, एक तो जयपुर और दूसरा जामनगर, एक दो आयुर्वेद संस्थान खोलने की मंजूरी दी है, एक जयपुर के अंदर, जयपुर को आप गुलाबी नगरी कहते हो, और जयपुर का गुलाबी रंग 1876 में, याद रखोगे, प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो उनके सम्मान में राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड जो राजा थे कहां के, जयपुर के, उन्होंने इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था, उसके बाद से इसका नाम पिंक सिटी है। और जयपुर के जो घरों के अंदर, परकोटे के अंदर पुराने जो पत्थर लगे हुए, याद रखो वो धौलपुर, राजस्थान का एक जिला है, धौलपुर के गुलाबी पत्थरों का राजस्थान के जयपुर के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान है। और विद्याधर शास्त्री जयपुर के वास्तुकार कौन है, विद्याधर शास्त्री जयपुर के वास्तुकार हैं। और यूनेस्को ने, याद रखो कि सन 2019 में जयपुर शहर को वैश्विक सिटी ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज सिटी का
खिताब दिया है जयपुर के परकोटो को, विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। तो आप जयपुर को कुछ इस तरह पढ़ोगे, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी और याद रखोगे। और जयपुर के अंदर नाहरगढ़ का किला भी है, जय बाण जो तोप है सबसे बड़ी आज तक की भारत की वहां पर रखी गई है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जयपुर के बारे में आपको बता दिए हैं। सेकंड जो आयुर्वेद संस्थान खोला जा रहा है वो जामनगर, जामनगर कहां पर है? गुजरात में। इसको गुजरात का तेल नगर भी कहते हैं, क्योंकि याद रखोगे आप गुजरात की जो तेल रिफाइनरी है ना, जामनगर तेल रिफाइनरी, वो रिलायंस कंपनी ने लगा रखी है वहां पर, तो इसको तेल नगर भी बोलते हैं, याद रखोगे। और इसको गुजरात का पीतल नगर भी बोलते हैं, और इसको सौराष्ट्र, क्योंकि गुजरात के सौराष्ट्र के नजदीक है बिल्कुल जामनगर, सौराष्ट्र जहां पर कौन सा मंदिर है, किसका मंदिर है मुझे बताइए, बहुत प्रसिद्ध है, भोले शंकर का मंदिर है, आप एक ही पढ़ते हो, मंदिर कहां पर है मुझे बताइए, उसका नाम क्या है? तो सौराष्ट्र का पेरिस बोलते हैं, जामनगर को सौराष्ट्र का पेरिस बोलते हैं, पीतल नगर बोलते हैं, तेल नगर यहाँ पर रिलायंस की तेल रिफाइनरी है आप याद रखिए। और जामनगर की स्थापना राजा जाम सिंह ने 1540 में स्थापना की है, और जामनगर को काठियावाड़ का रतन, काठियावाड़ याद आया, काठियावाड़ के पोरबंदर ग्राम में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, तो काठियावाड़ का रतन, पीतल नगर, तेल नगर याद रखोगे, सौराष्ट्र का पेरिस कौन है? जामनगर। और खास बात, जामनगर के अंदर भारत का प्रथम, संसार का दूसरा और भारत का प्रथम सूर्य की किरणों से जहां पर चिकित्सा की जाती है, सोलर चिकित्सालय, सूर्य की किरणों से जब शरीर का बीमारियों का इलाज किया जाता, तो भारत का प्रथम सोलर चिकित्सालय भी यहीं पर याद रखोगे जामनगर में है, भारत का प्रथम, तो यह याद रखोगे। तो इस आयुर्वेद संस्थान से आपने कितने क्वेश्चन सीख लिए? बहुत सारे सीख लिए, सब तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। फिर लिखा मैंने बागजान, ये देखो बागजान, ये तेल कुआ है, ये तेल कुआ क्यों बताया मैंने आपको, ये असम में है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का है। इस तेल कुएं में 27 मई 2000 याद रखोगे 20 को 27 मई के महीने में आग लगी थी, और 9 जून को ये आग बहुत तेज हो गई थी, तो जिसको अब नवंबर के महीने में आकर बुझाया गया है। भारत के इतिहास में किसी भी प्राकृतिक तेल के कुएं में सबसे लंबे समय तक लगी आग का नाम पूछें तो ये बागजान तेल कुआ है, याद रखोगे। और तेल से क्या आया, पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो प्लस ओलियम मतलब चट्टान का तेल, जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, याद रखोगे आप। और अवसादी चट्टानों से हम पेट्रोल प्राप्त करते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, बहुत सारे प्रश्न याद आ रहे हैं भाई। तो फिर है जी, सबसे लंबे समय तक लगी आग थी, उस कुएं का नाम मैंने आपको याद दिलवा दिया है। अब तेल की बात चलती है, असम की बात चलती है, तो मुझे क्या याद आता है, डिग बोई एशिया की पहली, डिग बोई एशिया की प्रथम तेल रिफाइनरी है, 1901 में स्थापित की गई थी असम में। पूछ ले डिग बोई कहां पर है, तीन सुखिया जिला है असम का, तो आप इस असम वाले क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, पूरा डिटेल दे रहा हूं आपको मैं हर चीज की। फिर जी नीतीश कुमार, आपको पता है नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है, उसमें दोबारा बिहार में भी चुनाव हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी ने याद रखोगे 125 सीटें प्राप्त कर ली हैं बिहार की विधानसभा में, 243 सीटों में से 125 सीटें एनडीए गठबंधन ने हासिल कर ली हैं, और नीतीश कुमार जी चौथी बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और मैंने यहां बीच में एक नाम अटकाया है, जीतन राम मांझी, ये बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे, जब पूरा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था किसको, एनडीए को, और जब जीतन राम मांझी को इससे पहले क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बिहार का बनाया गया था, और जब इनसे कहा गया कि आप अब नीतीश कुमार के लिए सीट खाली कीजिए, जनता दल यूनाइटेड ने कहा इसको, उस दल का था ये, तो इसने खाली नहीं की, तो इसको पार्टी से निकाला गया, उसके बाद नीतीश कुमार को दोबारा बनाया गया। तो जीतन राम मांझी का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं आपसे, ऐसे पढ़ोगे भाई आप, ठीक है जी। फिर संजय कुमार मिश्रा, इनका एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, संजय कुमार मिश्रा का, ये निदेशक है प्रवर्तन निदेशालय के अंदर, निदेशन
निदेशक है, एक वर्ष का कार्यकाल संजय कुमार मिश्रा का बढ़ा दिया गया है। अब पूछेंगे आपसे प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1 मई 1956 को स्थापना हुई है और ये प्रवर्तन निदेशालय जो नाम है ना ये इसको 1957 में दिया गया है, याद रखोगे आप 1957 इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय रखा गया है। और खास बात पूछ ले आपसे प्रवर्तन निदेशालय किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। फिर पूछ ले वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रवर्तन निदेशालय किसके अंदर काम करता है, वित्त मंत्रालय के विशेष राजस्व विभाग के अंदर ये कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के याद रखोगे आप कि नई दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नई दिल्ली चंडीगढ़ चेन्नई कोलकाता और मुंबई ये इसके 5 याद रखोगे क्षेत्रीय मुख्यालय हैं और क्षेत्रीय उपकेंद्र भी बहुत जगह स्थापित कर दिए गए हैं इसके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने लिखा NRTI नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या है इंस्टीट्यूट, याद रखोगे ये रेलवे का पहला संस्थान है, इसको आप रेलवे विश्वविद्यालय भी बोल सकते हो, आपने खूब याद किया था बड़ोदरा गुजरात। हां जी राष्ट्रीय रेल व परिवहन संस्थान है। मैंने क्यों लिखा क्योंकि इसने अभी 7 प्रकार के नए शैक्षणिक एजुकेशनल जो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, 7 प्रकार के नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं राष्ट्रीय रेल व परिवहन संस्थान, ये वडोदरा गुजरात के अंदर है और वडोदरा वो स्थान है जहां से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने 2 बार 2 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा था, मोदी जी ने वडोदरा और वाराणसी से दोनों जगह मोदी जी को जीत प्राप्त हुई थी और वडोदरा से ही सबसे ज्यादा नोटा नन ऑफ द अबोव जो बटन आप दबाते हो ना, जो आपको उम्मीदवार पसंद नहीं होता नोटा बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग भी वडोदरा के वोटरों ने ही किया था, मतदाताओं ने किया था। तो वडोदरा और वाराणसी दोनों जगह से मोदी ने चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से मोदी जी ने जीत प्राप्त की थी आप याद रखोगे। और वडोदरा कौन सी नदी किनारे पर है, विश्वामित्री नदी के किनारे पर है वडोदरा। और वडोदरा का पुराना नाम आपसे पूछ ले तो चंदन वन जो राजा थे यहाँ के, तो चंद्रावती नाम भी वडोदरा का है, इसको आप बड़ौदा भी बोलते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखो, वडोदरा नाम एक ही बात है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। लास्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने 3-4 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, उन सबका निधन हुआ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। पहला है जी पी पी काकोदकर साहब है ना, SBI के पूर्व निदेशक थे, 1997 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक पद से रिटायर हुए थे, तो इनका पणजी में निधन हो गया है कोविड की वजह से। पी पी काकोदकर SBI के पूर्व निदेशक थे, इनका निधन हो चुका है, एक क्वेश्चन। और मैंने लिखा SBI की जब बात चलती है तो SBI स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है ना उसकी हैदराबाद जो मंडल है ना, हैदराबाद मंडल ने 15 बाघ यानी टाइगर गोद लिए हैं 1 साल के लिए, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, इसी से रिलेटेड है। फिर लिखा मैंने जेरी जॉन रोलिंग्स घाना के राष्ट्रपति थे कभी, उनका निधन हो चुका है। घाना याद रखो, घाना का अर्थ होता है लड़ाकू राजा, ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है घाना, आइवरी कोस्ट इसका आप पूरा नाम पढ़ते हो घाना का, कोफी अन्नान UNO के बहुत अच्छे क्या थे मुझे बताइए महासचिव, जो कहां से थे घाना से थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में। फिर लिखा मैंने सौमित्रा चटर्जी ये बंगाली अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है। फिर लिखा मैंने त्रिलोक्य दत्ता ये त्रिलोक्य दत्ता कार्टूनिस्ट थे, असम राज्य से थे, तो इनका भी क्या है निधन हो चुका है आप याद रखेंगे। और इसके अलावा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर ने कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर कल्चर लैब की स्थापना की है IIM उदयपुर ने, तो ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा याद रखोगे पुदुचेरी ने करुणानिधि जो क्या कौन थे करुणानिधि कहाँ के भूतपूर्व
बताइए मुझे, मुख्यमंत्री थे उनके नाम से एक राशन बच्चों के लिए भोजन की सेवा भी शुरू की है, योजना भी शुरू की है पुदुचेरी ने। तो दोस्तों कुल मिला के आप ये सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, सीधी सी बात है आपको ये बातें याद होनी चाहिए। मैंने लिमिट में छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है, और वैष्णो देवी माता से मुझे याद आता है, अभी सोने के सिक्के भी जारी किए थे दीपावली पर वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड ने, और वैष्णो देवी श्राइन जो बोर्ड है उसको जल प्रबंधन के अंदर जल संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार उदयपुर को याद रखोगे वर्षा जल संरक्षण के लिए, और कड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया था उसको भी मिला है पुरस्कार। तो भैया पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत जल्दी अच्छी वीडियो और लेके आ रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो रही भाई, मौसम खराब है आपको पता ही है, जैसा मैंने कुछ लिखा पूरी डिटेल दे दी है, कॉपी पेन उठाओ, यही सफलता का मंत्र है, मेहनत जिंदाबाद। मिलता हूं फिर जल्दी ही आप सबको, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी कामयाब करें, अपने घर वालों के आप सपने पूरा करें।